जीवन चलने का नाम है और चलते हुए जीवन में अनेकों चैलेंज आपके सामने आते रहते हैं। उनमें से कुछ अच्छे होते हैं और कुछ का अनुभव बुरा होता है, लेकिन हर कोई हमें एक अनुभव देके जाता है। जो अच्छे अनुभव होते हैं उन्हें हम भुला देते हैं क्योंकि वो रिजोल्व इशू की तरह हमारा माइंड उनको लेता है, और जबकि बुरा अनुभव केवल अनरिजोल्व इशू की तरह हमारे माइंड में पड़ा रहता है और ना चाहते हुए भी हमें बार बार याद आता रहता है और तंग करता रहता है। यह अनरिजोल्व इशू कहीं बाहर नहीं, आपके अंदर ही है और हमें और आपको परेशान करते रहते हैं। अब आपको मैं थोड़ा सा बताना चाहूँ इस पे कि आपके अंदर ये इशू किस तरह से रहते हैं। ये तीन फॉर्म होती हैं इनकी, या तो इमेजेस फॉर्म में होते हैं, वीडियो फॉर्म में होते हैं, या फिर ये कोई साउंड में, या फिर कोई फीलिंग में होते हैं। यदि आप इनको ऑब्जर्व करना चाहो, महसूस करना चाहो, तो मैं आपको बताना चाहूँ, जैसे कि आप अपनी मॉम की आवाज़ सुने, अपनी माँ की आवाज़ सुने, वहाँ पर आवाज़ नहीं हो रही लेकिन फिर भी आप उस आवाज़ को महसूस कर रहे होंगे, सुन पा रहे होंगे। क्यों? क्योंकि वो आवाज़ कहीं ना कहीं आपके अंदर एक फाइल के रूप में पड़ी हुई है, आपके अंदर, आपके न्यूरॉन्स के अंदर पड़ी हुई है। इसी तरह मैं कहूँ, आंखें बंद करके एक बार देखिए कि आपके रसोई में आपका फ्रिज कहाँ रखा है, तो आपको जगह और रखा हुआ फ्रिज दिखाई दे रहा होगा। यानी कि आपके अंदर इमेज भी हैं, पिक्चर्स भी पड़ी हुई हैं। इसी तरह यदि मैं आपसे कहूँ कि इमेजिन करो कि गर्मा गर्म पकौड़ियाँ आपके सामने रखी हुई एक प्लेट में, और देखो उसके बीच में क्या रखा हुआ है, तो आपको पिक्चर भी दिखाई दे रही होगी, उसका कलर भी दिखाई दे रहा होगा पकौड़ों का, और पकौड़ों की जब बात आती है तो हो सकता है आपके मुंह में पानी भी आ गया हो, यानी फीलिंग्स भी आ गई हों। यानी पकौड़ों के साथ में जो एसोसिएटेड फीलिंग्स हैं, जो टेस्ट है, वो भी आपके अंदर एग्जिस्ट करता है। तो दोस्तों, इसी तरह हम सब के अंदर कुछ पास्ट के पेन्स, पास्ट के फेलियर्स, पास्ट के सेटबैक्स, पास्ट के एंग्जाइटी आपके अंदर पड़ी हुई है। आप हर रोज अपने घर को, अपने ऑफिस को साफ करते हैं ताकि आप स्वस्थ रह सकें, तो फिर क्या आपको आपके दिमाग की सफाई नहीं करनी चाहिए? क्या कभी भी आपने अपने दिमाग को साफ किया? क्या है आपके दिमाग की गंदगी? वो है वो नेगेटिव फीलिंग्स, वो सेटबैक्स, वो फेलियर्स, वो बचपन की छोटी छोटी गिल्ट। आपके जीवन में हर मोड़ पर आपको अनेकों प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ा, समस्या बहुत सी फीलिंग्स आपने ली, बहुत सी एक्सपीरियंस आपने लिए, लेकिन जो बैड एक्सपीरियंस थे वो आज भी आपके अंदर पड़े हुए हैं। उन नेगेटिव फीलिंग्स को, उन सेटबैक्स को, उन गिल्ट्स को, उन आवाज़ों को, उन इमेजेस को किस तरह से आप अपने अंदर से निकालें, ये वीडियो आज आपको इसी में हेल्प करने वाला है। आज मैं अनिल के कुमार इम्प्रिंट आपके साथ एक सक्सेस इम्प्रिंट्स की एनएलपी टेक्निक शेयर करने जा रहा हूँ, जो यदि आपने पूरी तरह अटैच होकर की तो आप अपने जीवन में एक अनुपम इनर पीस, सेटिस्फेक्शन और बैलेंस स्टेट ऑफ माइंड कर पाएंगे। आपके सभी पुराने फेलियर्स, सेटबैक्स, आपके बॉडी के किसी भी पार्ट में अगर पेन हो रहा है, वो आप परमानेंटली न्यूट्रलाइज कर पाएंगे इस एक्सरसाइज के द्वारा। चलिए एक्सरसाइज शुरू करते हैं। आपसे एक अनुरोध है कि इस एक्सरसाइज को किसी भी मशीन पर काम करते हुए या ड्राइविंग करते हुए ना करें। आप कहीं भी बिना हिले डुले बैठ जाएं या लेट जाएं, वह सभी इंस्ट्रक्शंस को सुनते हुए उन पर इम्प्लीमेंट करते रहें। आप इस एक्सरसाइज के बाद कैसा फील करते हैं, ये मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। अगर पसंद आता है तो लाइक करें। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और अपने दोस्तों के लिए शेयर भी कर सकते हैं, ताकि उनके जीवन में भी एक बेहतरीन परिवर्तन आए। दोस्तों, जो इमेजेस, जो सेटबैक्स, जो फेलियर्स, जो फीलिंग्स, जो एंग्जाइटी हमारे न्यूरॉन्स में रहती है, उन्हीं की वजह से ही हम चिंता, स्ट्रेस और डिप्रेशन में जाते हैं, और हमारे जीवन की ऊर्जा को वो खत्म करती है, जिसके कारण हमारा शरीर ही नहीं, हमारा व्यक्तित्व भी क्षीण होता चला जाता है, बल्कि आप अपने लक्ष्य से भी हाथ धो बैठते हैं। एक गहरी सांस अपने अंदर भरते हुए कुछ देर अंदर रखें,
और फिर मुंह से बाहर छोड़ दें। इस तरह 3 सांसें और अंदर लें और बाहर छोड़ें। अब अपने आप को रिलैक्स करते हुए अपने सांसों को नॉर्मल करते जाएं और साथ ही साथ मेरी आवाज सुनते हुए मेरे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते जाएं। अपने शरीर को पूरी तरह से ढीला छोड़ते हुए बिल्कुल रिलैक्स फील करें। ग्रेट। देखिए आपकी हर निकलती हुई सांस के साथ आप हल्के और हल्के होते जा रहे हैं। आप अपने शरीर को ढीला छोड़ें, पूरी तरह ढीला छोड़ें। एक बार आपकी बॉडी का स्कैन करते हैं। देखें अपने पैरों के पास क्या वहां पर कोई ऐंठन है या ढीला है आपका पैर। एक बार अपनी नी को देखें, क्या आपकी नी में कोई कसावट है या बिल्कुल ढीला है। कसावट है तो उसे ढीला छोड़ दें। अब अपनी थाइस पे ध्यान दें और देखें कि वो भी कितना रिलैक्स कर रही है। बिल्कुल ढीला छोड़ दें उसे भी। अब अपने हिप्स पे ध्यान दें, क्या उनमें कोई कसावट है, कोई टेंशन है। ढीला छोड़ दें, बिल्कुल ढीला छोड़ दें। अब अपनी कमर पे ध्यान दें, क्या वहाँ पर कोई टेंशन है, अगर है तो उसको रिलीज करें। अब अपनी चेस्ट पे आएं, कंधों पे आएं और देखें कि वहाँ पर कोई टेंशन नहीं है, बिल्कुल रिलैक्स छोड़ दें। अपने हाथों को रिलैक्स छोड़ दें। अब अपनी गर्दन को रिलैक्स छोड़ दें। ग्रेट। और अब आप देखें कि आपके सिर के पास भी सब कुछ रिलैक्स है। वेरी। और देखें हर निकलती सांस के साथ आपका शरीर ढीला और ढीला होता जा रहा है, हल्का और हल्का होता जा रहा है। और अब आप अपनी सांसों पर ध्यान देने लगे। देखें आपके सांस के रूप में एक एनर्जी आपके अंदर जा रही है और वह एनर्जी आपके लंग्स से होकर आपकी हर सेल तक किस तरह जा रही है। देखो उन वेंस के अंदर से किस तरह ऑक्सीजन हर सेल्स तक पहुंच रही है। एक बार ऑब्जर्व करो अपने आप। देखो वो सांस किस तरह से, वो ऑक्सीजन किस तरह से आपके हार्ट तक पहुंच रही है, आपके लिवर तक पहुंच रही है, आपके और ऑर्गन्स तक पहुंच रही है। किस तरह वो ऑक्सीजन आपके पैर की उंगलियों के टिश्यूज तक पहुंच रही है। इस तरह वो ऑक्सीजन आपके हर रोम रोम तक पहुंच रही है। इस तरह वो ऑक्सीजन आपके सिर के बालों की जड़ तक पहुंच रही है। तरह से शांति के साथ बढ़ रही है। देखिए हर नस में से, हर वेंस में से किस तरह आपके ब्लड के साथ ऑक्सीजन घूम करके आपकी पूरी बॉडी तक पहुंच रही है। ग्रेट।
अब हम आपकी बॉडी को रिलैक्स, कंप्लीटली रिलैक्स कर चुके हैं। आपका मन शांत है और आपकी इंद्रियां स्थिर होती जा रही हैं। देखिए कि आपकी बॉडी में क्या क्या चीज़ें हैं, कहाँ कहाँ पर ये गिल्ट्स, ये पेन्स, पुराने फेलियर्स, सेटबैक्स, उनकी इमेजेस कहाँ कहाँ पर हैं। अपनी बॉडी को स्कैन करना शुरू करें और देखें कि कौन सा जीवन का कौन सा फेलियर, कौन सा सेटबैक्स कहाँ पड़ा हुआ है। ग्रेट, देखना शुरू करें एक बार फिर पैर की उंगलियों से, पैर की उंगलियों से और टखने तक के पैर में देखिए यहाँ पर कोई इमेज, कोई किसी तरह का पुराना फेलियर, सेटबैक्स की कोई इमेज आपको दिखाई दे रही है। अगर दिखाई दे रही है तो उसको लोकेट करें बस और आगे बढ़ें। अब अपने ध्यान को अपने एंकल से लेकर के और घुटने के बीच के पैर में लेके आएं और वहाँ पर देखें कि क्या कोई इमेज वहाँ पर आपको दिखाई दे रही है। फिर अपने ध्यान को अपने घुटने से अपने पैरों के जॉइंट के बीच में लेके आए और देखें कि क्या कोई पुराना पेन, पुराना फेलियर, पुराना सेटबैक का कोई भी इमेज वहाँ पे है। अब अपने नाभि से नीचे के धड़ में देखें कि क्या कोई पेन, क्या कोई इमेज वहाँ पे है, कोई फेलियर, कोई गिल्ट जिसकी इमेज वहाँ पे हो। अब अपने नाभि से और कंधों के बीच के शरीर में देखें, अगर कोई दिखाई देती है तो उसको लोकेट करें। अब अपने हाथों में एक बार ऑब्जर्व करें। अब अपने कंधों से ऊपर अपनी गर्दन और अपने मस्तिष्क और अपने चेहरे पर एक बार देखें, कहीं कोई इमेज है। अभी आपने अपने बॉडी को पूरी को स्कैन किया जिसमें आपने कुछ इमेजेस आपको नजर आई होंगी। इमेजिन कीजिए कि अब आप एक प्रिंटर के साथ में अटैच कर रहे हैं अपनी बॉडी को और फाइनल प्रिंट आउट निकाल रहे हैं उन सब इमेजेस का, जो पेन्स हैं, जो फेलियर्स हैं, जो आपके पास पड़े हुए हैं। और ये प्रिंटर में एक सुविधा है कि जैसे ही जो प्रिंट कमांड इसको दी जाती है वो उस इमेज को भी वहाँ से डिलीट कर देता है। तो इमेजिन कीजिए आप उन सभी चीज़ों का प्रिंट आउट निकाल रहे हैं और वो प्रिंटर ब्लैक एंड वाइट है और जैसे ही आप प्रिंट कमांड दे रहे हैं जो जो इवेंट आपकी बॉडी में जहाँ जहाँ भी आपको नज़र आई थी, जो जो इमेजेस आपको जहाँ जहाँ भी नज़र आई थी, देखिए कि वो इमेजेस प्रिंट आउट निकल रही हैं। और जैसे जैसे जो जो इमेज प्रिंट आउट निकल रही है वो इमेज वहाँ से गायब हो जा रही है। आप उस इमेज को आपकी बॉडी के उस पार्ट से जहाँ पे वो लोकेट था वहाँ से गायब होते हुए देखिए, मूवमेंट करते हुए देखिए, प्रिंटर की तरफ जाते हुए देखिए और प्रिंटर में से प्रिंट आउट निकलते हुए देखिए। और देखिए कि अब वो प्रिंटर से निकला हुआ प्रिंट आउट आपके हाथ में है और उस प्रिंटर ने ऐसी इंक यूज की है जैसी कि एटीएम से निकलने वाली पर्चियों पे होती है, जो धीरे धीरे कम होती जा रही है, हल्की होती जा रही है जो प्रिंटिंग थी वो। और देखते ही देखते आपके पास जो पेज प्रिंट हुए थे वो वाइट हो जा रहे हैं। आप उन सब पेपर्स को फोल्ड करके अपने पास रख ले रहे हैं और एक बार फिर अपनी बॉडी को स्कैन कर रहे हैं तो आपकी बॉडी में कोई भी इमेज आपको नज़र नहीं आती।
अब हम दूसरे एस्पेक्ट को देखेंगे कि कुछ आवाज़ें आपके शरीर में अभी भी होंगी। उन साउंड्स के लिए एक बार आप अपने शरीर को स्कैन करेंगे। देखिए एक बार अपने पैरों के जॉइंट से नीचे के पैरों में कोई साउंड है तो ऑब्जर्व करें, जांघों पर ऑब्जर्व करें, घुटने पर, घुटने से नीचे और नीचे के पैरों में। अगर कोई है तो उसे मार्क करें। अब अपने पैरों के जॉइंट से लेकर के और हाथों के बीच के आपके धड़ में देखिए कहां कहां पर आपको आवाजें दिखाई दे रही है, सुनाई दे रही है। किसी भी तरह की कोई आवाज़ आपके पास, फेलियर की, सेटबैक्स की, कोई पेन, कोई भी चीज़ें अगर आपको वहाँ नज़र आती हैं, उन आवाज़ों को लोकेट करें। अब एक बार अपने दोनों हाथों में भी ऑब्जर्व करें कि क्या कहीं कोई साउंड स्थित है। ग्रेट, अब अपने गर्दन और गर्दन से ऊपर के हिस्से में देखें कि क्या कहीं कोई साउंड ऐसी है जो आपको बार बार याद आती है, या बार बार आपको रोकती है, या बार बार आपको परेशान करती है। अगर ऐसी कोई साउंड है तो उसको भी मॉनिटर करें और लोकेट करें कि कहां पर है वो। इन सभी साउंड्स को आपने देखा और मार्क किया है। अब कोशिश करें कि इन सभी साउंड्स को, जो जहां भी आपको दिख रही हैं, इन सभी साउंड्स को आपके पैरों की तरफ मूवमेंट करें और सभी साउंड्स को अपने पैर के अंगूठे में ले जाकर फिक्स करें। धीरे धीरे आप कोशिश करोगे तो आप देखोगे कि ये सभी का फ्लो नीचे की तरफ जा रहा है और सभी साउंड्स अपनी जगह छोड़ रही हैं। इमेजिन कीजिए कि आपने अपने अंगूठे से एक रबड़ ला करके उन साउंड्स में डाल दिया है, हर एक साउंड में एक रबड़ डाल दिया है, और वो रबड़ धीरे धीरे उन साउंड्स को अपनी तरफ खींचता हुआ आपके अंगूठे की तरफ लेके जा रहा है। जाती हुई उस साउंड को ऑब्जर्व करें और देखें किस तरह वो साउंड नीचे की तरफ जा रही है, और जब वो अंगूठे के पास पहुंच जाती हैं तो सारी साउंड्स को वहां पर एक साथ सुनने की कोशिश करें। एक साथ साउंड चलने से किस तरह की आवाजें आ रही हैं। अब उन साउंड्स की क्लियरिटी खत्म हो चुकी है, वो सब एक साथ मिल गई हैं, तो वो आपकी समझ में नहीं आ रही है कि क्या साउंड क्या थी। ग्रेट। और इमेजिन करें एक सकिंग मशीन है जो आपके पैरों से उस साउंड को सक कर रही है। और वो सारी साउंड्स को सक कर चुकी है और अब आपकी बॉडी में कोई भी नेगेटिव साउंड नहीं है। अब आप इमेजिन कीजिए कि आप एक समुंदर के किनारे एक बीच पर लेटे हुए और आपको जो जो भी फीलिंग्स आपकी बॉडी में हैं, जहां जहां भी आप लोकेट करते चलेंगे अभी, वहां वहां वो फीलिंग्स एक स्वेटिंग के रूप में बाहर निकलेगी, जिसका कलर एक डार्क ब्लैक टाइप का होगा। अब हम अपने सर से ऑब्जर्व करना शुरू करेंगे कि कहां कहां पर कोई कौन फीलिंग हमारे पास पड़ी हुई है, जो हमें तकलीफ देती है, जो हमारे लिए दर्दनाक है, जो हमारे लिए एक नेगेटिव एनर्जी के रूप में है। तो जो भी नेगेटिव एनर्जी अब आपके शरीर में है, जो एक फीलिंग्स के रूप में है, पेन के रूप में है, उन चीज़ों को अब हम बाहर निकालेंगे। अपने सर पे ध्यान दीजिए, जहाँ जहाँ भी आपको नेगेटिव एनर्जी, जहाँ नेगेटिव थॉट्स नज़र आते हैं, देखिए वहाँ पर एक पसीने की तरह वो बाहर आ गया है।
और पसीना बहुत ही काला है। और अब ऑब्जर्व करते हुए अपने कंधों तक आई। अब कंधों से पहले दोनों हाथों में ऑब्जर्व कीजिए और फिर अपनी बॉडी में ऑब्जर्व कीजिए। आप मात्र एक स्कैनर की तरह अपनी बॉडी को स्कैन करते जा रहे हैं और जहां भी आपको वो गंदगी, वो ब्लैक स्पॉट नज़र आ रहे थे, वो सीधे ब्लैक स्पॉट आपकी स्वेटिंग बन के, आपका पसीना बन के बाहर आ जा रहे हैं और आप अपने लीवर पे फोकस कर रहे हैं। अब आप अपने नीचे के शरीर पे ऑब्जर्व कर रहे हैं। अब आप अपने पैरों के जॉइंट से और घुटने के बीच में अपने पैरों को ऑब्जर्व कर रहे हैं और वहां पर आते हुए पसीने को भी देख रहे हैं। अब आप अपने घुटने से अपने पैरों की उंगलियों तक को ऑब्जर्व कर रहे हैं और स्कैन करते हुए जा रहे हैं और जो ब्लैक स्पॉट थे, जहां गलत फीलिंग थी, जहां गिल्ट थी, जहां पर भी किसी तरह का कोई पेन था, वो सब बाहर निकल रहा है ब्लैक किस फॉर्म में। अब आप अपने शरीर को बाहर निकल के देखते हैं तो शरीर पूरी तरह से काला हो रखा है स्वेटिंग से। और आप पूरी तरह से अपने आप को काला ऑब्जर्व ही कर रहे थे तब तक के समुन्द्र से एक लहर आती है और वो आप जो अपनी बॉडी को देख रहे हैं, बॉडी को ही नहीं आपको भी एक बार पूरे को डुबो देती है। और एक बार डुबोने के बाद में आप सेकेंड सेकेंड वापस जा रहे हैं और जाती हुई लहर आपके सारे पसीने को, आपकी सारी फीलिंग्स को, आपकी सभी गंदी फीलिंग्स को लेके जा रही है और आप उसे ऑब्जर्व कर रहे हैं। वो आपसे दूर दूर, जितना काला पानी था वो सब आपसे दूर जा रहा है और आपका शरीर एकदम सुनहरा, एकदम चमचमाता हुआ शरीर एक एनर्जी के साथ में एक नया जीवन लेकर के खिलखिलाता हुआ दिखाई दे रहा है। अब आपके मन, मस्तिष्क और सभी इंद्रियों में शांति है। आप बिल्कुल रिलैक्स्ड, आप अनुपम आनंद उठा रहे हैं। Enjoy these wonderful feelings. Feel yourself as much as energetic and saw those moments which were energetic in your life. महसूस करें, उन moments को याद करें जो आपके जीवन के लिए बहुत सुखद थे, जिस समय आप अपने आप के लिए प्रफुल्लित फील कर रहे थे, आप अपने आप पे प्राउड फील कर रहे थे। कौन से थे वो मोमेंट? कि लाइफ में ऐसे मोमेंट बहुत से हुए, कोई एक मोमेंट को याद करें जब आपको अपने ऊपर प्राउड हुआ था। हो सकता है आपकी स्कूलिंग के टाइम का हो सकता है आपकी शादी का हो सकता है आपके किसी फ्रेंड ने आपसे कहा हो आई एम प्राउड ऑफ यू, हो सकता है आपके किसी रिलेटिव ने कहा हो कि आई एम प्राउड ऑफ यू। Remember that moment. Go on that time. उस समय में जाइए, देखिए कि वहां पर क्या हो रहा था, किस तरह आप फील कर रहे थे, कौन कौन लोग आपके साथ थे। एक बार फिर उस समय में जाते हुए अपने आप को देखिए कि आपके साथ कौन कौन थे। Make the picture bigger, brighter and bolder. Enjoy the moment. देखिए किस तरह की ड्रेस थी आपकी, किस तरह के जूते थे आपके, किस तरह खिलखिलाता चेहरा था आपका, किस तरह आपके चेहरे पे कॉन्फिडेंस था। उस कॉन्फिडेंस को फील करते हुए अपने चमचमाते चेहरे को, खिलखिलाती आंखों को, एक बार आपकी प्यार भीनी भीनी मुस्कान को एक बार फिर महसूस कीजिए
और देखिए कि कौन कौन थे आपके साथ उस सीन में, उस पिक्चर में, कैसी पिक्चर है, किस तरह से है वो, कितनी उसकी लाइटनिंग है, कितनी ब्राइटनेस है। और ब्राइट बनाइए उस पिक्चर को, और बोल्ड बनाइए उस पिक्चर को, ग्रेट। और उस पिक्चर में कुछ साउंड्स भी हैं, कुछ मूवमेंट है, उन मूवमेंट्स को देखिए क्या हो रहा है वहां पर, किस तरह की खिलखिलाहट है, किस तरह से लोग मुस्कुरा रहे हैं, किस तरह लोग आपको बधाई दे रहे हैं, कौन है आपके साथ में जो आपको प्रेरित कर रहा है या पुरस्कृत कर रहा है। उस मूवमेंट को जीने के साथ साथ में उन आवाजों को सुनिए जो वहां पे हो रही है। उन आवाज अभी आपने देखा, जो आपने देखा था, अभी आप सुनिए जो आपने सुना था। ग्रेट, ग्रेट। उन आवाजों को और तेज कीजिए, उन आवाजों को इतना तेज कीजिए कि आपकी हर रोम रोम तक पहुंचे, आपकी पूरी बॉडी उस आवाज को, उस बेहतरीन आवाज को सुन रही है, आपकी हर शेल खुश हो रही है उस आवाज को सुन के, उनमें एक तरंग, एक जीवंत रूप आ रहा है हर सेल्स में आपकी बॉडी। उन पिक्चरों को एक बार फिर देखिए, उन आवाजों को और तेज कीजिए, पिक्चरों को ब्राइटनर कीजिए, बोल्डर कीजिए, इंजॉय कीजिए इस मोमेंट का। और अब आप देखिए कि उस वक्त जो आप फील कर रहे थे वो कैसा फील कर रहे थे, उन फीलिंग्स को अपने अंदर फील कीजिए और इंजॉय कीजिए उस मोमेंट का, मानो आप उस मोमेंट में ही घूम रहे हो। इंजॉय कीजिए उस मोमेंट का, उन आवाजों को सुनिए जो उस वक्त सुन रहे थे, उन फीलिंग्स को महसूस कीजिए जो उस वक्त महसूस कर रहे थे। देखिए अपने चमचमाते चेहरे को, खिलखिलाती आंखों को, और भीनी भीनी मुस्कान को, और आपकी तरफ निहारती हुई उन आंखों को जो आपको मुबारकबाद दे रही थी, जो आपकी तरफ प्यार बरसा रही थी, जो आपकी तरफ एक आशीर्वाद बरसा रही थी। थैंक यू बोलिए उस सृष्टि को जिसने आपको ऐसे ऐसे गोल्डन मोमेंट दिए इस लाइफ में। थैंक यू बोलिए अपने पेरेंट्स को जिन्होंने आपको ये प्यार भरा जीवन दिया। थैंक यू बोलिए अपने गुरुओं को जिन्होंने आपको बेहतरीन एजुकेशन दी और आप ऐसे ऐसे मोमेंट्स अपने लाइफ में जी पाए। एंजॉय कीजिए कुछ पल इस मोमेंट को, और इस पल को एंजॉय करते हुए एक बार फिर अपने पिक्चरों को और ब्राइट कर कीजिएगा, जितना कलरफुल बना सकते हो उनको कलरफुल बनाइएगा। देखिए किस तरह की ड्रेस है आपकी, देखिए कौन कौन लोग हैं आपके साथ में, उनके चेहरों पे किस तरह की खुशी है, आपका चमचमाता चेहरा, खिलखिलाती आंखें किस तरह से बयां कर रही हैं वो खुशी, किस तरह आपकी धड़कन थी, किस तरह से आप इंजॉय कर रहे थे। मेक द पिक्चर बिगर, ब्राइटर एंड बोल्डर, मेक द साउंड क्रिस्टल क्लियर, जो आज हर रोम रोम को प्रफुल्लित कर रही है। फील कीजिए उस जॉय को जैसे मानो आप अभी जी रहे हो उस मोमेंट को, पूरी तरह से उस मोमेंट को एंजॉय करते हुए इन फीलिंग्स को और तेज कीजिए, मानो आपके हाथ में रिमोट है और मैं उस रिमोट को दबा रहा हूं और आपके फीलिंग्स तेज हो रही है। इंटेंसिफाई कीजिए उन फीलिंग्स को, 5, 6, 7, और मजे आ रहे हैं आपको, और पिक्चर बड़ी दिख रही है, और आवाज तेज हो रही है, 8, 9, और आप पूरी तरह से सराबोर हैं, पूरी तरह से उस खुशी के मोमेंट का एंजॉय कर रहे हैं। आप हर तरफ आपका ही नाम लिया जा रहा है, हर तरफ वो आवाज़ें इतनी तेज हैं कि आपके हर रोम रोम तक पहुंच रही हैं। एंजॉय कीजिए इस मोमेंट को अगले 10 सेकंड्स। रिलैक्स। आप धीरे धीरे अपने हाथ पैरों को हिलाना शुरू करें। ग्रेट। अपने हाथों को आपस में रगड़ना शुरू करें, और हाथों में जब गर्माहट पैदा हो जाती है उसको आंखों पर रखते हुए अपनी आंखों को धीरे धीरे खोलें, और अब आप देखें किस तरह का महसूस कर रहे हैं, और जैसा महसूस कर रहे हैं वह कमेंट्स में लिखें। आप सभी का धन्यवाद यहाँ तक मेरे साथ बने रहने के लिए और इस वीडियो का एंजॉयमेंट लेने के लिए। मिलते हैं जल्दी ही अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ रहे।